Good morning, students. In the earlier video, we have studied about the feet of the birds. In today's video, we are going to continue with the feathers of the bird. So, students have seen the feathers of the bird. Feathers of the bird means birds ke pankh hona. So, birds ke pankh aapne dekhe honge bahut hi zyada sundar hote, right? They are very beautiful, and these feathers make them actually different from the other एनिमल्स. सो ये जो पंख है बर्ड्स के, पंख की वजह से क्या होता है, बर्ड्स दूसरे एनिमल्स से अलग है क्योंकि वो उड़ सकती है अपने पंखों की वजह से. सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द फीदर्स. लेट अस स्टडी दिस. फर्स्ट इज डाउन फीदर. डाउन फीदर यानी ऐसा फीदर जो बॉडी, जो बर्ड की बॉडी है उसकी जो स्किन है, बॉडी की स्किन उससे जुड़ा हुआ है, राइट. सो उससे सबसे क्लोज है, सबसे जुड़ा, सबसे ज्यादा क्लोजली जुड़ा हुआ है. ये डाउन फीदर जो होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है और छोटा सा होता है. डाउन फीदर की हेल्प से जो बर्ड का बॉडी होता है वो वार्म रहता है. नेक्स्टली जो डाउन फीदर है वो ज्यादातर जो बर्ड के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, दैट इज द न्यू बॉर्न, उनमें ज्यादातर होता है. नेक्स्ट सेकेंड टाइप है बॉडी फीदर. सो डाउन फीदर के बाद का जो फीदर होता है उन्हें हम बॉडी फीडर बोलते हैं. बॉडी फीदर जो होता है वो बर्ड की बॉडी को कवर करने में हेल्प करता है, प्लस बर्ड की बॉडी को शेप देने में भी हेल्प करता है. यहाँ पे आप देख सकते हो बुक में दिखाया गया है बॉडी फीदर, राइट. अब थर्ड टाइप ऑफ फीदर है फ्लाइट फीदर. फ्लाइट फीदर एक ऐसा फीदर है जो विंग्स में पाया जाता है और बर्ड की टेल में पाया जाता है, यानी बर्ड के जो पंख है उसमें ये फीदर पाया जाता है, और बर्ड्स की जो पीछे लंबी सी पूंछ होती है उसमें भी ये फीदर जो है पाया जाता है. ये फीदर की हेल्प से बर्ड्स जो है फ्लाई कर सकती है और डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है. सो ये थे तीन टाइप्स ऑफ, थ्री टाइप्स ऑफ फीदर. देवर डाउन फीदर, बॉडी फीदर एंड फ्लाइट फीदर. थ्री टाइप्स ऑफ फीदर इन द बर्ड्स आर डाउन फीदर, बॉडी फीदर एंड फ्लाइट फीदर. नाउ लेट अस सी हाउ द बर्ड्स फ्लाई. सो ऑफकोर्स वी ऑल नो दैट बर्ड्स दे फ्लाई विद द हेल्प ऑफ द विंग्स. बर्ड्स जो है अपने विंग्स की हेल्प से फ्लाई करती है, और ये जो विंग्स से वो मूव करके जो फ्लाई करती है, ये विंग्स का जो मूवमेंट है यानी जो पंखों का मूवमेंट है वो किसकी हेल्प से होता है, मसल्स की हेल्प से. बर्ड्स के जो मसल्स होते हैं वो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, उनकी हेल्प से वो फ्लाई कर सकती है. विद हेल्प ऑफ फ्लाइंग आपने देखा होगा बर्ड कभी कभार ऊपर की तरफ फ्लाई करती है, कभी कभार नीचे की तरफ फ्लाई करती है. अगर उसे ऊपर आकाश में जाना है मतलब वो नीचे से ऊपर की ओर फ्लाई करेगी. अगर वो आकाश में उड़ रही है और उसे नीचे जमीन पर लैंड होता है तो आप देखोगे वही बर्ड नीचे की तरफ भी आती है, यानी किस तरफ वो मूवमेंट कर रही है उस पर डिपेंडेंट है. टू टाइप्स ऑफ द मूवमेंट, वन इज अपस्ट्रोक एंड वन इज डाउनस्ट्रोक. अपस्ट्रोक यानी बर्ड्स का विंग्स का जो अपवर्ड मूवमेंट होता है उसको हम अपस्ट्रोक बोलते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हो बर्ड्स के जो विंग है वो ऊपर की ओर फैला रही है और ऊपर की ओर मूवमेंट कर रही है, राइट. सो इसे हम अपस्ट्रोक बोलते हैं. जबकि डाउन स्ट्रोक, यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो बर्ड नीचे की ओर विंग्स को मूव कर रही है, सो इसे हम डाउन स्ट्रोक कहेंगे, राइट. सो ये है टू टाइप्स ऑफ द मूवमेंट, अपस्ट्रोक और डाउन स्ट्रोक. ये जो मूवमेंट होते हैं इसकी वजह से बर्ड ऊपर की ओर और नीचे की ओर फैल सकती है. और यहाँ पे आप देख सकते हो पीछे की ओर ये जो है ये बर्ड की टेल है. ये जो टेल है ये डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करती है. ये जो टेल है वो डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करती है. सो स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा अपवर्ड मूवमेंट एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द विंग्स ऑफ द बर्ड, यानी कि अपस्ट्रोक एंड डाउनस्ट्रोक. बट व्हाट अबाउट द बर्ड्स हु कैन नॉट फ्लाई. या कुछ बर्ड्स ऐसी होती है जो फ्लाई नहीं कर सकते. सो ऐसी बर्ड्स को हम फ्लाइटलेस और रनिंग बर्ड्स बोलते हैं, जैसे कि ईमस है, ऑस्ट्रीच है. इन हम फ्लाइटलेस बर्ड्स बोलते हैं, राइट. ईमस एंड ऑस्ट्रीच दे आर कॉल्ड एज फ्लाइटलेस बर्ड.
अब नेक्स्ट टॉपिक है फूड हैबिट्स ऑफ द बर्ड। सो बर्ड्स की क्या फूड हैबिट है? डिफरेंट फूड हैबिट्स दैट द बर्ड्स आर हैविंग आर फर्स्ट दे जनरली ईट इंसेक्ट्स सीड्स नट्स ग्रेन्स एंड फ्रूट्स। ये जो कॉमन चीजें हैं जो बर्ड्स हमेशा खाना पसंद करती है, इंसेक्ट्स है या फिर सीड्स है या फिर छोटे छोटे नट्स है, ग्रेन्स है, फ्रूट्स है, राइट। कुछ बर्ड्स जैसे कि ईगल है, वल्चर है, वो हमेशा फ्लैश खाती है, यानी दूसरे जो डेड एनिमल्स होते हैं उनको खाती है। कुछ बर्ड्स है जैसे कि हमिंग बर्ड्स, वो फ्लावर का जो नेक्टर होता है, आपने देखा होगा हनी बी को फ्लावर में से नेक्टर निकालते हुए, सो ये हमिंग बर्ड है वो फ्लावर का नेक्टर अपनी लंबी चोंच से सक करना पसंद करती है। नेक्स्ट है पेंगुइन, पेलिकन एंड किंग फिशर, ऐसी बर्ड्स फिश खाती है, राइट। सो द बर्ड्स यू नो दे आर नॉट हैविंग टीथ, बर्ड्स की टीथ नहीं होती, लेकिन उनकी जो चोंच यानी उनकी जो बीक होती है वो फूड को क्रश करने में और उसको छोटे छोटे पीस में काटने में हेल्प करती है, यानी जो बीक होती है उसकी उसकी हेल्प से वो फूड को सबसे पहले छोटे छोटे दानों में कन्वर्ट करके और फिर उसे खा जाती है। नेक्स्ट है नेस्ट ऑफ द बर्ड्स। सो आपने बर्ड्स का नेस्ट देखा होगा ट्रीज में ज्यादातर, सो बर्ड्स जो है अपना नेस्ट बड़े मेहनत से बनाती है, राइट। वो लीव्स है, कुछ स्ट्रॉ है, वुल है, कॉटन है, थ्रेड है, ये सब की हेल्प से नेस्ट बनाती है। जो नेस्ट होता है वो बर्ड्स को अगर बहुत ही बैड वेदर हो या कहीं पे भी डेंजर हो तो उस समय छुपने में और रहने में हेल्प करता है। बर्ड्स की जो नेस्ट होती है वहाँ पे वो अपने एग्स भी ले करती है, वहाँ पे उसके जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो भी फिर बड़े होते हैं, राइट। ज्यादातर आपने देखा होगा बर्ड्स की नेस्ट जो है वो ट्रीज की जो स्टेम होती है, यानी कि ट्रीज की जो डाली होती है वहां पे होती है, फिर टेरेस पे होती है, कुछ बिल्डिंग्स के समटाइम्स फेंस में भी आप देखोगे, कुछ सीलिंग फेंस में भी बर्ड्स जो है अपनी नेस्ट बनाती है, राइट। सो यहाँ पे कुछ स्पेशल नेस्ट है जो कुछ बर्ड्स जो बनाती है, हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले है टेलर बर्ड। सो टेलर बर्ड जो है ना अपनी बीक की हेल्प से यानी अपनी चोंच की हेल्प से क्या करती है, दो जो लीव्स होती है उसको वो सुई धागे जैसे होता है ना उससे सी देती है, राइट। सो उसको वो सी के उसके अंदर जो है अपना अच्छा सा नेस्ट बनाती है विद द हेल्प ऑफ द सम स्ट्रॉज एंड सम लीव्स, राइट। उसके लिए कुछ मटेरियल जिसके मैंने आपको बोला स्ट्रॉ है, सीड्स, कुछ लीव्स है, थ्रेड है, वुल है, वो यूज करती है। यहाँ पे आप देख सकते हो नेस्ट ऑफ द टेलर बर्ड, ये जो है दो लीव्स को उसने सीव करके बनाया है, राइट। अब नेक्स्ट है वीवर बर्ड। ये जो है वीवर बर्ड, ये वीवर बर्ड क्या करती है, लीव्स कुछ कुछ पीसेस होते हैं लीव्स के, कहीं ग्रास के जो टुकड़े होते हैं, लीव्स के टुकड़े होते हैं, ट्विग्स होते हैं, ये सबको वो एक साथ अच्छे से स्वीव कर देती है और फिर एक अच्छा सा नेस्ट बनाती है, राइट। ऐसा नेस्ट बनाती है जिसमें यहाँ से देख सकते हो आप ओपनिंग होती है, यहाँ से ओपनिंग होती है, अंदर जाया जाता है और फिर वो अंदर रहती है, राइट। सो ये है वीवर बर्ड। नेक्स्ट है वुड पैकर। वुड पैकर जो है वो लीव्स है या फिर वुल है, कॉटन है, ये सब की हेल्प से अपना नेस्ट नहीं बनाता है, वो क्या करता है ट्री का एक ट्रंक होता है उसमें अपनी चोंच से यहाँ पे आप देख सकते हो होल बना देता है, राइट। सो ये होल जो बना देता है उसी के होल के अंदर बड़ा सा होल बना के फिर उसके अंदर वो रहता है, सो ये है उसका नेस्ट, राइट। ये है उसका नेस्ट, आप देख सकते हो ट्रंक। नेक्स्ट है पेंगुइन्स। सो पेंगुइन्स आपको पता है ज्यादातर बहुत ही कोल्ड प्लेसेस जो होती है वहां पे पाए जाते हैं, उनके लिए ऐसी कोल्ड प्लेस में जो ग्रास है, लीव्स है, ट्विग्स है, स्ट्रॉ है, ये सब फाइंड करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, प्लस उन्हें ठंडी से बचना भी होता है, सो उनको नेस्ट बनाना भी जरूरी है, इसलिए वो क्या करते हैं स्टोन्स है, कुछ पेबल्स है, ये कलेक्ट करके ग्राउंड पे ही अपना नेस्ट बना लेते हैं। नेक्स्ट है बुलबुल। यहाँ पे आप देख सकते हो बुलबुल है,
वो क्या बुलबुल है, स्पैरो है, ह्यूमिंग बर्ड्स है, ये इनका नेस्ट जो होता है कप शेप्ड होता है, कप जैसा होता है, राइट, कप के आकार का होता है। ये अपना कुछ लीव्स है, कुछ ग्रास है, ये सब कलेक्ट करके, वुल है, कॉटन है, ये सब कलेक्ट करके एक कप शेप्ड यानी कप जैसा नेस्ट बनाती है। इसी नेस्ट के अंदर वो अपने एग्स भी रखती है, राइट, और फिर उस एग्स में से जो छोटे छोटे उनके बच्चे होते हैं वो भी वहीं से बड़े होके फिर वहीं पे रहते हैं, राइट। सो दिस वाज द नेस्ट ऑफ द डिफरेंट बर्ड्स विच वी हैव स्टडीड। नेक्स्ट आर सम स्पेशल फीचर्स ऑफ द बर्ड। सो बर्ड्स की कुछ स्पेशलिटीज होती है जो इसमें हम देखेंगे। फर्स्ट है कि ऑस्ट्रीच, ईमस और पेंगुइन्स एक ऐसे बर्ड्स है जो फ्लाई नहीं कर सकते। सेकेंड है, ऑस्ट्रीच जो है वो लार्जेस्ट बर्ड है, सबसे बड़ा बर्ड है, और उसका जो एग होता है ना वो भी बहुत ही बड़ा होता है, लार्जेस्ट होता है। नेक्स्ट, कुकू एक ऐसी बर्ड है जो कभी अपना नेस्ट नहीं बनाती। कुकू जो है अपना एग किसी और के नेस्ट में, किसी और बर्ड के नेस्ट में रख देती है, राइट। नेक्स्ट है, पैरोट्स एक ऐसे बर्ड है जो हमारी वॉइस जो है, हम जो भी बोलते हैं उसे कॉपी करके वो बोल सकते हैं। नेक्स्ट, पीजन्स जो है वो बहुत ही दूर तक फ्लाई कर सकते हैं, दे कैन फ्लाई अप टू लॉन्ग डिस्टेंस, और इसलिए उनको पहले जो थे अर्लियर यानी पहले के जमाने में लेटर्स जो थे, मैसेजेस थे, दूर दूर की प्लेसों में, दूर दूर प्लेसेस में, दूर दूर जगहों पे, वहां पे इनको मैसेजेस पहुंचाने के लिए यूज किया जाता था, राइट। नेक्स्ट जो है पीजन्स, ये जो पीजन्स है ज्यादातर ह्यूमंस के आसपास यानी हमारे आसपास रहना पसंद करती है, इसलिए आप देख सकते हो कि ये जो है कॉर्नर्स जो होते हैं हमारे घर के, या फिर यूजुअली रूफ्स जो होते हैं वहां पे ये रहते हैं, राइट। नेक्स्ट, पीकॉक जो है वो हमारा नेशनल बर्ड है, नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, और आपने देखा होगा उसके जो फीदर्स है बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमिंग बर्ड, वो सबसे स्मॉलेस्ट बर्ड है यानी लार्जेस्ट बर्ड हुआ ऑस्ट्रिच और स्मॉलेस्ट बर्ड हुआ ह्यूमिंग बर्ड, वो सबसे स्मॉलेस्ट बर्ड है। और ह्यूमिंग बर्ड एक ऐसा बर्ड है जो बैकवर्ड भी फ्लाई कर सकता है यानी पीछे की ओर भी वो फ्लाई कर सकता है। कुछ बर्ड्स इतना ज्यादा लॉन्ग फ्लाई कर देती है कि वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक उड़ के आ जाती है, राइट। एक कंट्री से दूसरी, स्पेशली जब कुछ कुछ कंट्रीज में बहुत ही ज्यादा ठंडी होती है तब बर्ड्स उड़ के ऐसी कंट्रीज में आ जाती है जहाँ पे कम ठंडी होती है। सो इसे हम माइग्रेशन कहते हैं, राइट। अब लास्ट जो फैक्ट है वो है कि आउल है एक ऐसा बर्ड है जो अपनी आई को स्विल यानी घुमा नहीं सकता, राइट, एक एक ही और विदाउट मूविंग, राइट, लेकिन वो अपना जो हेड है वो कंप्लीटली अपोजिट डायरेक्शन में घुमा सकता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे थे स्पेशल फीचर्स ऑफ द बर्ड्स।